हेलो। हेलो। हाँ हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भैया। आपको भाई खैरियत से? हाँ हाँ लगता वो भाई मसला पूछना था मैंने, ये है कि कुरान में एक आयत है सूरतुल अहराफ की आयत नंबर 194। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। लदीना तदऊना मिन दूनि अल्लाहि इबादुन अमसलकुम फला यस्तजीबूना लकुम इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह के सिवा तुम जिनको पुकारते हो वो एक मक्खी पैदा करने के बराबर है, और अगर तुम सच्चे हो तो उनसे थोड़े से जवाब लेकर चावल आपको दिखाओ। देना, ठीक है? थोड़ी वो डाल दो, कट जी क्या हुआ? नहीं, आपसे नहीं बोल रहा, बोलिए। हाँ जी, तो अगर सच्चे हो तो उनसे जवाब लेकर दिखाओ। तो ये आयत है और इसमें जो है बताया गया है कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो अभी इसका तर्जुमा हमने ये सुना, मतलब इसका मफहूम हमको अजरबी साहब के तालीम से ये मिला कि मजार पर जाकर जो ये तुम करते हो तो ये लोग एक मक्खी पैदा करने के बराबर नहीं। तो ये बात हमको पूछनी थी, ये बात सही है या गलत है? भाई देखिए, अल्लाह को छोड़ के जिन जिन को अगर भाई कोई मतलब पुकारता है गैब में, चाहे वो मूर्ति हो या मजार हो, ठीक है, वो ऑटोमेटिक इस आयत में फिट हो नहीं जाएगी। नहीं हजरत, आपने क्या 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 फिर से बोलिए। भाई अल्लाह को छोड़ के अगर हाँ कोई हाँ किसी से भी मांगता है, चाहे वो मूर्ति हो चाहे भाई वो हाँ मजार हो, सही है ठीक, जी, वो बिल्कुल अल्लाह के सामने एकदम भाई वो जीरो है। जी, अगर बिल्कुल सही बात मक्खी भी है, उनकी इतनी औकात नहीं है कि भाई वो बिल्कुल एक मक्खी पैदा कर सके, तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। अल्लाह के सिवा तो किसी को माने, हम तो अल्लाह को मान के अपने यार बंदी थोड़े को। से तो बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम कर लो, इतने नहीं खा पाए। हेलो। हाँ बिल्कुल सही बात है, अल्लाह के सिवा जो मानते हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर अल्लाह को मानते हुए जो वलियों को माने उनकी बात कर रहे देखिए, जो मक्का के जो थे ना मुशरिक, हैं। जी उनके बारे में भाई आप पढ़ लीजिए कुरान में, तो आप समझ जाएंगे कि जो आज के बरेली जो हैं अच्छा उनका अकीदा हाँ और जो मक्का के दौर के जो थे मुशरिक उनका अकीदा जी दोनों जी का सेम है। बिल्कुल मक्का जी, के क्या मुशरिक भी अकीदत है? आप मानते अपनी थे कि जबान हमें से बता औलाद देने दीजिए। वाला अल्लाह है, आसमान से बारिश जो देता है वो अल्लाह है, हमें रोजी रोटी देने वाला अल्लाह है, अल्लाह ही पैदा करने वाला है, अल्लाह ही, मतलब जी, उस उनका अकीदा ये था कि अल्लाह ही सब कुछ है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल अपने अपने भाई औलिया को, अपने अपने भाई वो नेक लोगों को अल्लाह की तरफ भाई अपना सिफारसी बना लिया वसीला। था, अच्छा इसलिए ठीक है अल्लाह ताला ने भाई जी, उन सबको अपने बिल्कुल आखिरी कलाम में कह दिया मुशरिक। तो यही अकीदा थे भाई हमारे आज के बरेली भाइयों का, वो कहते हैं हम अल्लाह को अच्छा भी मानते हैं, लेकिन ये तो जी हमारे इतने नेक औलिया हैं, वली हैं, बाबा हैं, हम तो गुनहगार हैं, डायरेक्ट अल्लाह से मांग नहीं सकते, तो ये हमारे भाई कौन है सिफारशी, ये हमारी जो बात होती है सिफारिश होती है वो अल्लाह तक पहुंचाते हैं। तो सेम मक्का के मुशरिक का कीदा, तो क्या फर्क रह गया मक्का के मुशरिकों में और आज के बरेलियों में? जी बिल्कुल सही बात है। ये क्या कहते हैं, कुरान में जो भाई आपका आयत नाम है क्या है? आपने बताया, ये जरियाफ नाम है मेरा, हाँ? जरियाफ जरियाफ नाम है, जरियाफ ZARYA, जरियाफ बरकाती। अच्छा जी, जारिया बरकाती। जी जरियाफ बरकाती अच्छा हाँ, जी, एक मिनट रुकिए जरा देखिए। तो भाई अगर आप मतलब क्या कोई मतलब बहस के मूड में है तो ऐसा नहीं, बताइए, हम ये कह तो मैं खाना खा के रहे करता हैं, हूँ, और अगर आपको नहीं कुछ हम ये कह जानना रहे है हैं कि आपने जो तो आप बताया पूछ है लीजिए। कि मुशरिकीन मक्का का ये था कि वो भी जो है मानते थे कि ये हमको अल्लाह को मानते थे, तो ये सिफारिश कर रहे हैं, तो हजरत वो तो उसके साथ साथ उनको पूछते भी थे, तो हम लोग तो पूछते ही है ना। पूजिते तो ये कहाँ लिखा हुआ है? जी कुरान का तर्जुमा है, आयत हमको ध्यान नहीं आ रही है, सिर्फ इतनी बात के लिए पूछते हैं कि ये हमें अल्लाह के पास अल्लाह के नजदीक शिकायत करें। भाई मैं ये तर्जुमे में फर्क होगा, ठीक है? तर्जुमा फर्क नहीं है, ये क्या कहते हैं आयत हमको ठीक से मेरे लैपटॉप में बोलिए, ये कुरान सामने है नहीं। जी, इसीलिए थोड़ा आपसे ऊपर नीचे माना ऊपर उदो नीचे कर रहे हैं। मिल्ला। हाँ ये आयत है, सिर्फ इतनी बात के लिए पूछते हैं कि ये हमारी अल्लाह की तरफ शिफात करेंगे, ये आयत भी हमने आपको बता दिया। तो
तो इसमें ये लिखा है कि वो पूजते भी थे, कौन बरेलविया जो है ख्वाजा गरीब नमाज गौसे आजम वगैरह को पूजता है। देखिए अल्लाह सुबहान व तआला सूरे जो भाई गालिबन जुमर है उसकी आयत नंबर 3 में वो फरमाता है कि सावधान हो जाओ, खबरदार हो जाओ, अल्लाह ताला के लिए खालिस इबादत करना है। ठीक, अल्लाह ताला की ही खालिस हमको इबादत करना है और जिन लोगों ने उसके सिवा औलिया बना रखे हैं और कहते हैं कि हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि जो ये बुजुर्ग हैं, नेक लोग हैं, ये अल्लाह के नजदीक के जो आलम में मर्तबा है वहाँ तक भाई हमारी बात को पहुँचा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये लोग जिसके बारे में भाई इख्तलाफ कर रहे हैं अल्लाह खुद करेगा फैसला। ठीक है, झूठे और ना शुक्रों को अल्लाह ताला राह नहीं दिखाता। तो ये साफ बता रही है, ये बात तो आपकी बात यही साबित हो गई, आपने खुद कह दिया कि ये बलियों को पूजते थे, पर हम तो भाई वसीला लगाते हैं, या ये लजीना आमनु तकुल्ला बतुगुल वसीला है मुमिनो अल्लाह नजरो तकवा इख्तियार करो और उसकी तरफ इख्तियार करो, हम तो वसीला ले रहे हैं ना, कुरान पे अमल हो रहा हमारा। तो भाई आप लीजिए ना वसीला, इसका देखिए अहले सुन्नत अहले हदीस के बाद तो जो वसीला है वो फर्ज है, हम वसीले का इनकार नहीं करते हैं। हमारे भाई हमारे नजदीक तो फर्ज है, लेकिन हम ये कहते हैं कि कुरान की कमो बेश भाई 25 आयतें ऐसी हैं जिनमें जो मक्का के मुशरिक लोग वसीला लेते थे वही आज के बरेलवी लोग वसीला लेते हैं। उन 25 आयतों से साबित होता है कि ऐसा वसीला लेना ये नाजायज है, शिर्क है, हराम है। जो जायज वसीला है लीजिए ना। अब जैसे अल्लाह ताला कहता है सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद तलब करो, तो बिल्कुल सही बात है भाई, हम सिर्फ भाई हम सब्र करेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी, नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह की मदद आएगी। जो मक्का के मुशरिक थे उन्होंने गैरुल्लाह को अपना शिकार की और अल्लाह का जरिया समझते थे कि अल्लाह तक ये हमारी बात पहुंचा देंगे। हमको इतना पता करना है कि इस जरिया को उन्होंने इबादत कहा वसीला जैसे मजार के लिए देंगे तो ये शिर्क की तरह बन जाएगा, समझी में नहीं आ रहा क्या भाई? अगर मजार से जाकर अगर हम वसीला ले लेंगे तो ये शिर्क कैसे बन जाएगा? तो ये इबादत में आ जाएगा ना, किस तरह से इबादत में आ जाएगा? अगर अभी मैंने आपको आयत पढ़ी ना, क्या एक मिनट में आपको इत्मीनान से समझा रहा हूँ, फिर से इसको सुनिए आराम से, ठीक है, बीच में ना बोलिएगा। सूरे जुमर आयत नंबर 3 अल्लाह ताला भाई ये कहता है खबरदार अल्लाह के लिए ही खालिस इबादत करना है और जिन लोगों ने उसके सिवा औलिया बना रखे हैं और कहते हैं कि हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि जो ये लोग हैं बुजुर्ग हैं ये अल्लाह के नजदीक की तक ये हमारी बात को पहुंचा देते हैं, ये लोग अब सुनिएगा गौर से, ये लोग भाई जिसके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं अल्लाह खुद करेगा फैसला, झूठे और ना शुक्रों का। ठीक, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को राह नहीं दिखाता, यानी कि इस आयत में अल्लाह ने बता दिया है कि जो मक्का के मुशरिक थे उन्होंने गैरुल्लाह को अपना भाई वो सिफारसी बना लिया था जिसको अल्लाह ताला ने इबादत कहा है। बाकी आप अपनी बात में खुद ही हद बोल रहे हैं और हमारी बात भी आपकी बात साबित हो रही है, किसी को पूछते नहीं से कोई बात नहीं, आपकी बात हमारे समझ में आ रही है। किसी को इतना नेक समझना कि गैब में उससे मदद मांग के अपनी हाजत को अल्लाह तक पहुंचाना, इसको अल्लाह ने कुरान में इबादत कहा है। अब बात समझ में आ गई? किसी को क्या डिफरेंट होता है, किसी भी नेक आदमी को औलिया को बुजुर्ग का, ठीक, उसको ये समझना कि ये हमारी बात अल्लाह तक पहुंचा देगा, हाँ जी, तो हमने ये जरिया इख्तियार करना, इसको अल्लाह ताला ने भाई अपने आखिरी कलाम में इबादत कहा है। नहीं नहीं, हमने ये रुका, हम तो वसीला करते हैं या अल्लाह, इनके सबसे ये तो वसीला हो गया,
तो वसीला जो कुरान हदीस में आया है वो लेंगे ना, कि अपनी अकल से कि ये हाँ अल्लाह जी अरे बाबा मेरी बात पहुंचा दे। वसीला, आप जो वसीला बता रहे हो ये नहीं कि उसकी दलील कहाँ पे, बता दीजिए। देखिए वसीला एक अलग टॉपिक है, अगर आपको वसीले पे जानना है तो ऐसा बताइए। हाँ तो वसीले की तो बात हो रही है, तो अभी तो बात हो रही थी मक्का के मुशरिकों का की देखा ना जी, वो तो आप ले गए ना, हम तो बता रहे कि आप बता रहे हो उनको पूछते भी थे ये तो बात, अब ये करो हम भी। अल्लाह ने इस चीज को कुरान में ये कहा कि ये इबादत है, यानी कि अगर कोई भी अल्लाह को छोड़ के गैरुल्लाह के पास जाता है इस नियत से, इस अकायदे से कि ये अल्लाह तक हमारी बात को पहुंचा देंगे, हाजत को हमारी पहुंचा देंगे, तो इसको अल्लाह ताला ने इबादत कहा। हाँ तो वो मुशरिकीनों के लिए दिया है वो अल्लाह को मत। अरे बरेलवी आज के और जो मक्का के मुशरिक है दोनों का कीदा एक ही है ना। अरे भैया भाई तो उस वक्त कुफार का वक्त था कि हम आपकी बात नहीं मानो मानेंगे, आप हमारी तरह के बशर हो तो क्या वो बात समझ सकते हैं। भाई देखिए अब आपको हमको लग रहा है मतलब भाई तफसील से बात करना पड़ेगा। देखिए अल्लाह और उसके रसूल के जो सवालात हैं और जो जो वहाँ के जो मतलब जो मक्का के जो थे मुशरिक उनके जो आंसर थे जवाबात थे उसको आप पहले गौर से एक बार कुरान में पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि बरेलवी क्या कहता है और जो मक्का के मुशरिक थे वो क्या कहते हैं। अब सुनिए मक्का के मुशरिक में बरेलवी में कुछ हाँ दोनों का कीदा सेम है। हाँ कुछ फर्क 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 देखिए हम बता रहे हैं, अल्लाह सुबहान तआला ने कुरान में फरमाया ठीक कि ए प्यारे नबी इनसे पूछो कि तुमको आसमान और जमीन में कौन देता है रिज़्क, वो कहते हैं तुम्हारे कानों और आंखों का मालिक कौन है और बेजान से जानदार कौन पैदा करता है और जानदार से बेजान कौन पैदा करता है और दुनिया के कामों का इंतजाम कौन करता है। और फौरन ये लोग कहेंगे मुशरिक लोग अल्लाह करता है। ये कहाँ पे आ रहा है? सूरह यूनुस आयत नंबर 31। अब आगे चलते हैं, अल्लाह सुबहान व तआला कहता है ऐ प्यारे नबी इनसे पूछो जो ये जमीन है और जो कुछ इसमें है ये किसका है अगर तुम जानते हो, तो फौरन मक्का के जो मुशरिक होंगे कहेंगे अल्लाह का है। ठीक आगे देखिए अल्लाह सुबहान व तआला फरमाता है कि ऐ प्यारे नबी इनसे पूछो कि सातों आसमानों और अर्ज़ का मालिक कौन है, तो फौरन मक्का के मुशरिक कहेंगे अल्लाह है। अब आगे सुनिए एकदम गौर से मेरे भाई, कुरान पढ़ा जा रहा है गौर से सुनिए खामोशी से ठीक। और अल्लाह सुबहान व तआला कहता है कि प्यारे नबी इनसे पूछो कि जो हर चीज की जो पावर है हुकूमत है किसके हाथ में है और वो बचा लेता है और उनसे कोई नहीं भाई वो अल्लाह से कोई नहीं बच सकता अगर तुम जानते हो, तो वो फौरन कहेंगे कि अल्लाह के ही हाथ में है। फिर अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है और अलबत्ता अगर तुम इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को मतलब भाई किसने काम पे लगाया, तो ये जरूर कहेंगे अल्लाह ने। ठीक तो इस तरीके से अल्लाह सुबहान तआला ने पूरे जो मक्का के जो मेरे भाई काफिर थे मुशरिक थे उनका जवाब दे दिया कि वो तमाम मामलात में कहेंगे अल्लाह ने किया अल्लाह है अल्लाह ने किया अल्लाह है। तो फिर इनको अल्लाह ताला ने कहा है कि मुशरिक का। अब आते हैं मेन सवाल पे ठीक कि जब वो हर चीज में कह रहे हैं अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है अल्लाह है, तो फिर अल्लाह ताला ने इनको मुशरिक क्यों कहा? तो अल्लाह सुबहान तआला ये फरमाते हैं कि इनका अकीदा क्या था। ये लोग जो कहते थे इनका अकीदा क्या था सुनिए, ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की भाई परिस्थित करते हैं जो ना इनका कुछ बिगाड़ ही सकती है और ना ही कुछ भलाई ही कर सकती है, और कहते हैं कि यह अल्लाह के पास ये हमारी सिफारिश करने वाले हैं। प्यारे नबी से कहो क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज बताते हो जिसका वजूद उसे ना आसमानों में मालूम होता है और ना जमीन में, वह पाक है और उसकी शान इनके शिर्क करने से बहुत बुलंद है। सूरह यूनुस आयत नंबर 18। तो अल्लाह ताला ने मक्का के ऐसा अकीदा रखने वालों को साफ साफ बोल दिया मक्का के मुशरिक यानी कि शिर्क करने वाले मुशरिकीन मक्का
यही सेम अकीदा आज के बरेलवी का है। वो ये नहीं कहता कि हम जा रहे मजार पे इबादत करने, हम इबादत नहीं करते मजार पे, हम तो मजार पे जो बाबा बुजुर्ग हैं उनको सिफारसी बनाते हैं अल्लाह की तरफ, तो हो गया ना ये शिर्क। अच्छा अब हम बोले, अब हम बोले, अच्छा आप भी बोलेंगे, क्यों भाई आप क्यों बोलेंगे? अरे भैया हम कहा नहीं बोलेंगे यार, इतने घंटे तो आपने पूछने के लिए फोन किया था ना, आपने डायरेक्ट फोन किया कि आपको भाई एक बंदा जाना है, वही तो पूछने के लिए हम कह रहे हैं, वही तो पूछेंगे। हाँ तो पूछिए, हाँ भाई पूछिएगा, बताइएगा, मत हम पूछेंगे नहीं, पूछने के लिए तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ हजरत हम ये कह रहे थे कि मुश्रिकीन मक्का वो हर चीज करते थे जो आज की बरेलवी कर रहे हैं, बिल्कुल हक बात है उस तरह से, बिल्कुल यही लगता है कि वो लोग यही करते, लगता नहीं है मेरे भाई। हाँ अरे भाई नहीं बात, पर तर्जुमे में ये भी तो आ रहा है कि हम पूछते नहीं पर किस लिए पूछते हैं कि ये अल्लाह के वहाँ हमारे सॉरी करो पूछता है भैया, वो लोग पूछते थे, यहाँ पूछ कौन था, क्या पूछ रहे, यहाँ पूछ, वो लोग इबादत भी करते थे बुतों की, हम कौन से अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। अरे भाई आपका मेरे भाई क्या कुरान आपने आज तक पढ़ी नहीं है कभी, सूर्य फातिहा से लेके सूर्य नाच तक समझ के, सूर्य फातिहा से लेके सूर्य नाच तक, सच सच बताइएगा भाई कभी आपने समझ के पढ़ी है कि नहीं, अल्लाह को गवाह बना के, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये पढ़ी है पक्का, बताइए आखिर तक खौफ तो बताइएगा मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं अल्हम्दुलिल्लाह क्या, हाँ या ना में बताइए ना, पूरी पढ़ी है भैया, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है, मुसलमान के ऊपर कुरान, तो ठीक है भाई, तो अल्लाह ताला ने जब कह दिया कि जो नेक बाबा को बुजुर्ग को औलिया को अल्लाह की राह में सिफारसी बनाते हैं वो मुशरिक हैं, और अच्छा। अल्लाह ने इस अमल को अपने आखिरी कलाम में इबादत कह दिया है, तो अगर कोई भी मेरे भाई आज का बरेली वो दरगाह जा रहा है, मजार जा रहा है, आस्थाना जा रहा है और उनका वसीला ले रहा है, उनको सिफारसी बना रहा है, तो ये कुरान के हिसाब से ये इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है, और अगर अल्लाह को छोड़ के कोई दरगाह मजार पे जाके इबादत करता है तो ये शिर्क है, और जो करेगा वो हो जाएगा मुशरिक, चाहे वो मक्का का मुशरिक हो चाहे मेरे भाई यहाँ यूपी उत्तर प्रदेश के बरेली। जिब्रील भी मौला, अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला और नेक बंदे भी मौला, ठीक है, इसका क्या मतलब बताइए भाई? लुगात आप मेरे भाई पढ़ लीजिए, ठीक है, उसमें अलग अलग भाई जो ये मौला होता है उसके मानने आते हैं, मौला का माना मददगार भी होता है, मौला का माना दोस्त भी होता है, ठीक। अच्छा, तो अहले सुन्नत ने जो माना दिया है वो आपके वहाँ क्या लिया है आप बताइए, पहले आप बता दीजिए। नहीं हम तो बता देंगे, आप क्या समझ रहे हो, आपके उससे मतलब जाती तौर से गैप में भाई वो जो पावर होती है मदद होती है क्या उसको मानने के लिए? मददगार तो ही है मोमिन मोमिन एक दूसरे के, उसमें कोई इनकार नहीं है। जिब्रील भी हमारे लिए मददगार, तो बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जो मददगार नहीं है उनको इबादत करते हैं, अगर हम किसी देखिए मदद जो मान रहे हैं ना, बताइए ना, एक दोस्त होता है, मतलब जो मौला है, मौला के माने दो होते हैं ना, एक होता है मदद, हाँ? एक होता है मदद करने वाला और हाँ? एक होता है दोस्त, हाँ? ठीक है, तो आपने मदद का माना लिया है तो वही तो हाँ? मैं पूछ रहा हूँ ना कि आप अपने आप को अहले सुन्नत माशाल्लाह कहलाने वाले हैं, तो अहले सुन्नत के किस आलिम दीन ने 1443 साल में इस मेरे भाई आपने जो पढ़ा है कि जो अल्लाह है वो मतलब भाई उनके मौला है जिब्रील अलैहिस्सलाम के, जिब्रील है वो अल्लाह के नबी के मौला है, तो ये मतलब अल्लाह के नबी के मौला है, कहाँ मतलब वाला है अल्लाह के नबी के मौला है, मतलब क्या क्या अभी आपने बोला था भाई? अरे मेरे भैया जो अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला और नेक बंदे भी मौला, तो ये तो सिफात है ना, उससे क्या लेना देना? हाँ तो वही तो बता रहे, सिफात है, अल्लाह ताला ने सिफात दे दी है तो उसमें क्यों आदमी शिर्क जाएगा उसको? अच्छा ठीक है, तो सिफात आपके अब्बा जान माशाल्लाह आपकी बात रहमान है, वो आप बहुत रहम करते हैं अब्बा से, ठीक है एक बात सुन लीजिए, ये क्या कहते हैं सूरह फातिहा क्या है, क्या क्या कहना बुध भैया कहना साइन, हाँ तो हम तेरी इबादत करें किसी से मांगे तो तेरी सारे तेरी तारीफ करें, तो भैया इसमें जो ये कहा गया तेरी इबादत करे किसी से मांगे, ठीक है
तो ये बताइए, किरण वगैरह में आदमी चिपक जाता है तो क्या ये कहता नहीं है कि अब्बा मेरी वो मदद कर दो, ये कर दो ये कर दो, तो इसका क्या मतलब है ये भी समझाइए अगर। अल्लाह के बंदे, देखिए सूरे फातिया की जो आयत है, इयाक नअबुदु व इयाक नस्ताईन, उसका माना ये है कि ए अल्लाह, हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये अगर किसी आप नॉन मुस्लिम से भी भाई इसको पढ़ा देंगे तो कह देगा हाँ भाई, इसका माना ये लग रहा है कि आप लोग जो हो अल्लाह की मतलब पूजा पाठ करते हो और अल्लाह से ही मांगते हो, तो वो भी समझ जाएगा, एक नॉन मुस्लिम भी होगा, आयत एकदम साफ है। लेकिन अब सवाल आता है, अब लोग कहेंगे अच्छा, अहले हदीस तो कहते हैं इनसे मदद मांगना शिर्क है, उनसे मदद मांगना शिर्क है, अपने अब्बू से पैसा काहे मांगते हो, अपनी अम्मा से खाना क्यों मांगते हो, अपनी बीवी से साबुन क्यों मांगते हो, तो ये भी शिर्क हो गया। तो उन बेवकूफों को मालूम नहीं है कि एक होता है भाई फौकल असबाब और एक होता है भाई तहतुल असबाब। फौकल असबाब उसको कहते हैं जो असबाब के बाहर हो, और भाई जो तहतुल असबाब होता है उसको कहते हैं जो असबाब के तहत हो। जैसे आपकी अम्मी जान भाई जिंदा है, हयात है, आपके सामने है, तो असबाब के तहत उनसे मदद आप मांग सकते हैं कि अम्मी जरा यार खाना दे दो, एक गिलास पानी दे दो, लाओ जरा 100 रुपये दे दो, तो ये मदद जायज है। लेकिन अल्लाह न करे आपकी अम्मी का इंतकाल हो जाए और गैब में आप पुकारो फौकल असबाब में कि या अम्मी अल मदद, तो ये शिर्क हो जाएगा। ये जो है चोरी किसने बना के दी है? है ये चोरी किसने बना के दी है? चूड़ी? ये चोरी किसने बना के दी? ये रूई किसने बनाया? अच्छा, ये उसूल ये अल्लाह के नबी ने दिया है ना हमें। हाँ बताइए। अल्लाह के नबी बिन तो मेरे भाई एक दूसरे से मदद भाई वो लेते थे, एक दूसरे इसी की मदद बात को करते पर, थे। लेकिन कभी वो अल्लाह ये के नबी सच्ची का जब को शिर्क वफात नहीं हुआ तो करते थे। अल्लाह के नबी के ऊपर भाई कर्जा था ना, उधार था ना, तो इससे क्या साबित होता है कि अल्लाह के नबी ने भी जो लोग मेरे भाई अल्लाह के नबी के सामने मौजूद थे उनसे उधार लिया, लेकिन असबाब के बाहर उधार नहीं लिया कि मतलब किसी का इंतकाल हो गया तो उसकी दरगाह पे जाके अल्लाह के नबी ने कहा हो कि या फला शख्स हमको इतना इतना मतलब भाई वो पैसा रुपया दिनार हमको उधार दे दे। वो किसके नहीं, पास जाए, वो तो रहमत के लिए आदमी है, पूरी दुनिया के लिए रहमत है। तो क्यों उधार लिया? हेलो, उधार अरे तू क्यों उधार लिया भाई? लिया? अल्लाह के नबी का जब इंतकाल हुआ था, वफात हुई थी, तो हाँ अल्लाह के नबी के ऊपर भाई कर्जा था ना, हाँ हाँ उसको तो क्यों उधार लिया था? तो इस तरह से कहेंगे ना कि उन्होंने दिखाने के लिए कि उधार किस तरह से लोग इस तरह से देने आपको का हावी दिखाने के रहती लिए, देखिए आपको दीन इस्लाम में उज्जत नहीं हो, है। इससे ये जाहिर होता है कि दुनिया में आदमी चाहे तो एक दूसरे से मदद भाई वो ले सकता है। सहाबा इकराम के पास जब कोई परेशानी आती थी तो अल्लाह के नबी खुद आते थे बाजार में, कहते थे ये फला चीज है, ये कौन इसको लेगा, तो अल्लाह के नबी भी तो भाई दूसरों की मदद करते थे। तो मदद अस्बाब के तहत लेना शिर्क नहीं है, फौकल अस्बाब शिर्क है कि अस्बाब के बाहर जाके गैब में किसी को पुकारना। जिस शख्स का इंतकाल हो चुका है, जो बेचारा खुद दफन है, जो खुद मेरे भाई वो जो हमारी दुआ का मोहताज है, हम उससे दुआ की फरियाद पहुंचा रहे हैं, कितना गंदा कीदा है मेरे भाई आप बताओ। ये गंदा कीदा नहीं हो हजरत वकील, या जो तो अल्लाह अल्लाह की जाहिर जिंदा हो है, जाए या जो तो कुछ। हमेशा से जिंदा है, अरे हमेशा ये जिंदा बताइए, रहेगा, ये उसको बताइए, छोड़ हेलो के हम जो मेरे हेलो, भाई कब्र के नीचे दफन है उनसे इन्नहू मदद हुवा मांग रहे हैं? समीउल बसीर, अल्लाह सुनने वाला और अल्लाह देखने वाला भी। अल्लाह ताला अपने अपनी शिफात बयान कर रहा है, इन्नहू हुवा समीउल बसीर, अल्लाह सुनने वाला अरे तो अल्लाह सुनने वाला देखने वाला उसका कौन इनकार कर रहा है भाई? बात तो यहाँ हो रही है जो पीर बाबा औलिया है उनसे मदद मांगने का ना। हाँ, तो वही बता रहे, वो सवाल जवाब हो गया, वो हम समझ गए। और हम ये नया सवाल कर रहे हैं, वो सनी और बसीर, अल्लाह सुनने वाला और अल्लाह देखने वाला, ठीक है। भाई आपको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देता हूँ, ठीक है? आप खुद मेरे भाई आराम से हवाला उसका मेरे भाई नोट कर लीजिएगा, खोल के आराम से आप पढ़ सकते हैं। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 129 में अल्लाह ताला फरमाता है कि कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, ठीक? सूरह जुमर और इसका भाई जो सूरह नंबर 39 है आयत नंबर है 36, उसमें अल्लाह सुबहान तआला फरमाता है क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं है? तो अल्लाह खुद कह रहा है अल्लाह काफी है, ठीक? ठीक है,
कार साज काफी है। ठीक सूर्य तकवीर सूरह नंबर 81 आयत नंबर 29 में अल्लाह सुबहान व तआला ये साफ साफ कहता है तुम कुछ भी नहीं चाह सकते, तुम कुछ भी नहीं चाह सकते। अब गौर से तुम सुनिएगा, अब इसमें आपके पीर बाबा औलिया मुर्शिद सब लोग आ गए। तुम कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे। तो अल्लाह की बिना मर्जी के आप पीर बाबा का जितना फरियादे पहुंचा लें अल्लाह को नहीं सुनने वाला। अल्लाह अपनी मर्जी का मालिक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की ये सुन्नत है, अल्लाह के ऊपर कोई अपनी मर्जी नहीं थोप सकता है। ठीक है, मेरी मेरी कुरान की आयत सुनिए, सुनाए रब्बाना आखिरी जिंदा मेरा मेरी कुरान की आयत है। सबसे यहाँ के अलग अलग कुरान है क्या? वलियों वजह अल्लाह मिलाद मनाता नफी। ठीक है, अपने जनाब से हमें बली अता फरमा, अपने जनाब से हमें मददगार अता फरमा, ये कुरान की आयत है। इसमें क्या मतलब हुआ ये भी समझा। अरे मददगार का माना आप क्या ले रहे हैं? गैब में मदद मांगने वाली कोई एक आयत पेश कीजिए ना, एक सहाबी का भाई हमको अमल बताइए ना जिसने गैब में कहा हो कि मेरे या फला मदद या धमा। अबू बकर रजी अल्लाह तआला भाई अनु के इंतकाल के बाद क्या किसी ने कहा कि या अबू बकर जनाब अल मदद उमर रजी अल्लाह तआला अनु के इंतकाल के बाद किसी ने कहा या उमर मां अपनी जनाब अल मदद ने मददगार अता फरमा। वली वली भी का मतलब मसला है अपनी जनाब से हमें वली अता फरमा, इसका मतलब बताओ भाई। फिर मददगार भाई देखिए आयत आप पेश कर रहे हैं, समझ में आपके नहीं आ रही है, दलील आप उसको बना के पेश कर रहे हैं और उसका मतलब मेरे भाई जबरदस्ती अपनी अकल से आप अभी अभी हम बताना भी चालू करो फिर ये पूछना भी चालू करो फिर तो मसला अगर पूछो पूछो समझो समझो अभी कह रहे हैं ना। अच्छा ये बताइए आपका क्या ईमान ऐसा है कि बाज़ आयतों पे ईमान लाते हैं बाज़ आयतों का आप छोड़ देते हैं? बेवकूफ़ी वाला काम तुम करेगा ये मुशरिक मुनाफिक वाला। तो फिर भाई जब अल्लाह ताला ने साफ साफ देखिए जो कुरान का बेसिक रूल क्या है, कुरान का बेसिक रूल आपको बता देते हैं वो आपके आलिमों ने भी आपको नहीं बताया होगा, वो सुन लिया कर दिया ना अपने जनाब से। हमें पहले मेरे को अपनी लंबी बात ही नहीं करना था, मेरा खाना पूरा मेरे को ठंडा हो गया, लेकिन मैंने कहा चलिए आपको इस्लाह की नियत से जानना है तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको एक बेसिक उसूल बता देता हूँ। अल्लाह ताला ने ये आप मेरे भाई सूर्य फातिहा से लेकर सूर्य नाज तक पूरी कुरान को एक बार समझ के पढ़ लीजिएगा, आप भी इस चीज को मानेंगे कि बेसिक रूल क्या है कि हमें डायरेक्ट अल्लाह से मांगना है, डायरेक्ट अल्लाह से मांगना है। लेकिन हम चाहें तो जो मेरे भाई जो साबित हैं भाई कुरान से हदीस से वसीले, उन वसीले के जरिए भी हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, ये बातें साबित होती हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि मजार से दरगाह से पीर बाबा से आसानी से मदद मांगना, उनको वसीला बनाना, तो अल्लाह ताला ने इस तरह से क्या कहा? ये वसीला लगाना वही बात है या इब्राहिम होते हैं अहले अजीज या फिर जो नहीं, तो वसीला क्या मदद नहीं है, वसीला कुर्ब हासिल करना होता, मदद का मतलब कुर्ब हासिल करना। फिर आज लोगों से अरे जरिया आप लेंगे तो अभी आप ही लोग कहते हैं कि अच्छा जज है, जज के पास जाना है तो बिना वकील की मदद से कैसे पहुंच जाओगे? तो ये आप ही लोग मिसाल देते हो भैया, आप ही लोग कहते हो कि भैया वो छत पे जाना है तो बिना सीढ़ी के कैसे पहुंच जाओगे? आप ही लोग तो कहते हो कि बिना इंजन के जो डिब्बा है कैसे वो भाई वो चल देगा? अब आप ही लोग पहले मदद बना तो फिर मदद का इनकार करके कह देते हो वसीला है मदद नहीं। हमारे जो हम लोग कहेंगे वो मान लेते हो क्या? कुरान हदीस से देखते तो आप लोग क्यों, आप लोग के असल में जितने लोग हैं जितने मुंह हैं उतनी अलग अलग बातें हैं, तो आप लोग का कीदा ही वाजे नहीं हुआ आज तक? हमारा कीदा एक ही है भाई, ये जो दरगाह मजार के ताल्लुक से वो आपको बता देते हैं इंशाल्लाह कुरान से। अल्लाह सुबहान व तआला सूरह नहल की आयत नंबर 21 में कहता है और जिन जिन को ये लोग अल्लाह ताला के सिवा भाई पुकारते हैं वो किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते बल्कि वो खुद पैदा किए हुए हैं, मुर्दे हैं, जिंदा नहीं, उन्हें तो याद भी कबूर नहीं है कि वो कब उठाए जाएंगे। अपने तर्जुमे को समझो अल्लाह के सिवा, ये भी तो सोचो अपने तर्जुमे पे अगर कर लोगे तो बहुत कुरान मुझे इतना फैलाया है। तो जब अल्लाह डायरेक्ट सुनने वाला है, अल्लाह जिंदा है, हमेशा जिंदा था, हमेशा जिंदा रहेगा, उसको छोड़ के हम जिसका इंतकाल हो चुका है जो खुद अपनी कब्र के अंदर है जो आलम में है उसको गैब में हम वसीला बनाते हैं, तो ये क्या हो गया? अल्लाह के सिवा हो गया ना? वसीला लगाने के लिए कहा तो हम वसीला लगा रहे हैं और अल्लाह को छोड़ा किसने, ये बताइए?
तो अल्लाह ने ये कहा कहा कि मतलब भाई वो दरगाह बनाओ, मजार बनाओ और उनका वसीला लो, नेक लोगों को सिफारसी बनाना, तो मक्का की मुश्किल का सीधा ये अल्लाह ताला ने बताया है। टॉपिक पे ना, टॉपिक पे ना। अरे मेरा दिमागी काफी, आप बोलो ना। ठीक है, मौजम अल कबीर है, मौजम अल कबीर की दास्तान इमाम तबरानी ने लिखी है। मौजम अल कबीर की जिल्द नंबर 36, दफ्तर नंबर 324, भाई जोर से बोलिए थोड़ा अल्लाह के बंदे, सफा नंबर 324। अरे हाँ ठीक है, क्या उसमें लिखा क्या है? हाँ, उसमें ये हदीस है, अरबी में है, उर्दू बता रहे हैं, उर्दू सुनाने में। हाँ उर्दू बताइए, अरबी नहीं है मेरे साथ। अल्लाह के नबी ने जब अपनी चची जान को दफनाया तो फिर दफनाने के बाद ये हुआ की अल्लाह मेरी सच्ची जान को माफ कर दे, किसे मेरा वास्ता और पिछले अंबिया जो गुजरे हैं उसका भी वास्ता। अब बताओ। तो इसकी भाई वो जब मतलब कुछ बताएंगे, सनद वनद वतन वतन कुछ बताएंगे? सनद की भाई ये कोई मेरे भाई ये बुखारी मुस्लिम की तो हदीस है ही नहीं जो आग बंद के आदमी कहेगा सही। तो आग बंद क्या गई, कुरान में कहीं लिखा हुआ कि बुखारी की सनद बिल्कुल ठीक है उसको मानना, तो आदमी मानता है ना आपका इजमा, आप लोग नहीं मानते दलील, अहले सुन्नत का इजमा है, जो जो भी मेरे पे बुखारी वो कुरान के बाद सबसे अच्छी किताब है। भैया मेरे हम क्या कह रहे हैं, हमने आपको दलील दे दिया ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे दलील तो फिर अभी आप कह दोगे कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी की वसीले से दुआ की तो इसको भी मानो तो क्या हम झूठी हदीस से मान लेंगे? अरे तो हम ये नहीं कह रहे नबी का हदीस का इनकार करने वाला मालूम आपको क्या होता है? तो नबी की हदीस होगी तो उसका इनकार होगा ना, वो तो हदीस ही नहीं, वो तो झूठी बात है। अच्छा झूठी बात है, मतलब तुम क्या हो, मतलब क्या मुहद्दिस हो, मुहक्किस हो, क्या हो? अरे मेरे भाई जो हदीस कुरान से टकरा रही हो वो मतलब आपके नजदीक वो सही हो जाएगी। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि हमने आदम को तौबा के कलिमात सिखाए, रब्बना ज़लमना जाके पढ़िए ना, तो अल्लाह कह रहा है हमने तौबा के कलिमात सिखाए और आप लोगों ने शिया की मेरे भाई किताबों से इस हदीस को नकल कर ली कि आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श के ऊपर एक कलमा देखा और कलमे में लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह, तो आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अल्लाह ने ये मोहम्मद का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा है, अल्लाह ताला के लिए महबूब होंगे, तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी की वसीले से दुआ की। यही सब आपकी दिक्कत होती भाई, आप लोग पता है झूठ बोल के बात करते हैं, इसी चीज का हमको तुम्हारी जायदाद बना दूंगा। आपने कहा कि आपको भाई मसला आपसे जानना है, अब आपको भाई हम जना रहे हैं तो आप खुद ही बोलते जा रहे हैं, या तो आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि आपको हमसे ज्यादा आता है, तो मेरे भाई तो हम किसी दिन आपको फोन कर लेंगे, आपसे समझ लेंगे, अभी तो आपने हमको समझने के लिए फोन किया है ना। तो आपके पास ना कुरान की कोई आयत है ना अल्लाह के नबी की सही हदीस है, आप खाली कहीं का कहीं की टांग जोड़ के अपना कीदा बाकी कीदा साबित कर। हमने हर बार ये कहा है कि मुशरिकीन मक्का जो है उनको पूजते भी, मक्का के जो मुशरिक थे और आज के जो बरेलवी बिदती हैं दोनों का कीदा सेम है, ये मैंने कुरान से साबित कर दिया है। ये कुरान ये बात कहाँ से शुरू हुई? सूरह यूनुस आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया ये भी सुन लो, और अगर अल्लाह तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दे तो सिवाय अल्लाह के उस मुसीबत को कोई दूर करने वाला नहीं है। अरे भाई अब हमको लग रहा है कि आपका बात करने का मूड नहीं है, इसलिए आप खुद ही मेरे को बड़बड़ाते जा रहे हो। बड़बड़ा नहीं रहे, हम कह रहे मैं आयत पढ़ रहा हूँ उसको तो सुन लो, मेरा तो जवाब दे दो, इतने बड़े अल्लामा बन गए, तो आपने अब तक जो हमसे पूछा हमने सब आपको बता दिया। अब हम आपसे एक चीज पूछ रहे हैं, आप हमें बता दीजिए। हमने एक चीज नहीं बताया, हमने सब बता दिया, पूछा था कुछ नहीं बताया। अभी आवाम में जब ये ऑडियो जाएगी तो आवाम फैसला कर लेगी कि आपके हर सवाल का मैंने कितने अच्छे प्यार एकदम प्यार के आपको जवाब दिया। आवाम जानती है कि हमने एक सवाल पूछा था सूरह अलअराफ के बारे में, सूरह यूनुस आयत नंबर 107 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है और अगर अल्लाह तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दे तो सिवाय उसके कोई उस मुसीबत को दूर करने वाला नहीं। तो जब हम नमाज कुरान अल्लाह के लिए पढ़ें, रोजा और जकात और जो हज है वो अल्लाह के लिए करें, तो मदद के लिए हम बाबा के पास क्यों जाएं? मेरा बेसिक सवाल ये है।
अच्छा तो वकील का करेंगे भैया, वही तुमको बता रहे हैं हमारे यहाँ। नहीं आप बात समझे नहीं, मेरा सवाल फिर से आप सुनिए। मानिए मेरे ऊपर कोई, मेरे ऊपर कोई आ गई मुसीबत, ठीक, या आपके ऊपर कोई आ गई मुसीबत, तो अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि अगर तुम्हें किसी मुसीबत में डाल दिया जाए तो सिवाय अल्लाह के उसको कोई दूर नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला कहाँ कह रहा है भाई, सूरे यूनुस आयत नंबर 107 में। तो अब मेरा सवाल ये, जब अल्लाह ने दी है मुसीबत और अल्लाह ही उसको दूर करेगा, तो हम पीर बाबा के पास क्यों जाएं, काय के लिए जाएं, काय के लिए टाइम पास करें? वसीला लगा दिया ना हमने, भगवान का वसीला आप अपनी अकल से कहीं पे भी मेरे पे लगा दोगे वसीला? अरे कहाँ अकल, तो तुमको दलील दे रहे, तुम हदीस को झूठा दे रहे हो, गुमराही वाला काम कर रहे हो। तो मेरे भाई हदीस का ना आपके पास भाई वो मतन है ना सनद है, आप कहीं की बात नहीं कर रहे हो। हमने तुमको किताब का नाम बता दिया, जिल्द का नंबर बता दिया, हदीस का पेज नंबर बता दिया। किताब का नाम नहीं, वो कोई मेरे भाई कोई मोतबर किताब थोड़ी ना है। मतलब आप जो भी किताब बता दोगे उसको मिद्दम भाई वो मोतबर मान लेंगे? अरे तो हम तो क्या कह रहे, देखो आपने ना तो मेरे भाई बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिर्मिजी नसाई इब्ने माजा मौत्ता इमाम मालिक हाकिम इब्ने बज्जार जो मेरे भाई जो मोतबर किताबें हैं उनका आपको ही हवाला दे रहा हूँ, जिनकी मेरे भाई न सनद है न टांग है। उनकी है कि बुखारी को मोतबर मानो और जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी, और अहले सुन्नत का इजमा है कि कुरान के बाद जो सबसे बेहतरीन किताब है वो मेरे भाई बुखारी मुस्लिम है। अब इजमा को आप नहीं मानते तो आप मेरे भाई इस्लाम से बाहर हो। अरे नहीं तुम लोग को ये कहते हो ना, तुम लोग की बात कर रहे हैं कि जो इजमा इजमा तुम बात कर रहे हो, तो इजमा तुम लोग तो मानते ही नहीं हो। अब आप कहोगे 20 रकअत तरावी भी इजमा हो गया, जुमे की 2000 की इजमा हो गया, 3 तलाक इजमा हो गया, तो जो चाय के होटल पे इजमा होता है उसको नहीं मानते, जो अहले सुन्नत के वहाँ जो इजमा होता है उसको मानते हैं। ठीक है ठीक है, रखो ठीक है रखे, चलो अस्सलाम वालेकुम।